गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों में अपन ने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी, जो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो दो क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2। अपन कर रहे थे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1। और इसमें अपन ने बताया था कि जो क्रिया विधि है वो कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद है उसमें केवल भाग लेता है कौन, हेलो एल्केन। यहां पे क्या होता है, कार्बन और हेलोजन में विद्युत नात्मकता ज्यादा होती है हेलोजन की, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है कौन, हेलोजन। और ये हेलोजन निकल जाता है एक्स माइनस के रूप में और आर पे आ जाता है प्लस, आर पे प्लस एक्स पे माइनस। अब आर मतलब कार्बन, कार्बन पे क्या है पॉजिटिव, इसलिए ये है कार्बोकेटायन मध्यवर्ती। तो SN1 के पहले पद में कार्बोकेटायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आज अपन इसमें जो पढ़ेंगे वो यहां पे ये काम आने वाला है कि SN1 के प्रथम पद में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। और अपने कहा था SN1 में जो पहला पद है वो वेग निर्धारक पद होता है, SN1 में जो पहला पद है वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। क्यों, क्योंकि ये पद है वो धीमी गति से संपन्न होता है। अपन ने लास्ट क्लास में बताया था जो रासायनिक बल गतिकी का गुलबर्ग बागे का द्रव्यनुपाती क्रिया नियम है, उसके अनुसार यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, जैसे ये दो पदों में संपन्न हो रही है, तो वहां पर वो पद वेग निर्धारक पद होता है जो धीमी गति से संपन्न होता है। तो यहाँ पे जो पहला पद है ये वेग निर्धारक होता है क्योंकि ये धीमी गति से संपन्न होता है, और इस पद में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटायन का। इसका जो द्वितीय पद है उसमें देखिए क्या होता है, द्वितीय पद में पहले पद में जो कार्बोकेटायन बना है R प्लस, उस पर आक्रमण कर देता है कौन, नाभिक स्नेही NU-। तो नाभिक स्नेही है जो आक्रमणकारी है वो पहले पद में नहीं होता, वो आता है दूसरे पद में। तो R प्लस NU माइनस RNU, तो ये अपना बन गया उत्पाद। और ये जो दूसरा पद है ये तीव्र गति से संपन्न होता है, तो ये तीव्र पद है इसलिए यह वेग निर्धारक पद नहीं होता। तो यहां वेग निर्धारक पद है वो पहला पद होता है क्योंकि ये धीमी गति से संपन्न होता है। तो ये पहला पद है ये वेग निर्धारक पद है, अब वेग निर्धारक पद में केवल एक अभिकारक अणु भाग ले रहा है, कौन, हेलो एल्केन। तो वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग ले रहा है,
इसलिए इसको कहा जाता है एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1। तो इसको SN1 या एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें वेग निर्धारक पद में अभिकारक अणु का अभिकारक अणु है वो एक ही भार लेता है, एक ही अभिकारक अणु है वो वेग निर्धारक पद में भार लेता है हेलो एल्केन, इसलिए इसको एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा है। वैसे देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को अपन नॉर्मली सीधा कैसे शो करते हैं, ये हेलो एल्केन RX और इस पे आक्रमण करवाते हैं किसका, नाभिक स्नेही का। अब यहाँ पे कार्बन और हेलोजन में विद्युत नात्मकता किसकी ज्यादा, हेलोजन की, तो ये निकल जाता है X माइनस के रूप में और R पे आ जाता है प्लस। अब R प्लस से जुड़ जाता है Nu माइनस, तो ये RNu उत्पाद प्लस ये यहां से चला गया X माइनस। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो इस प्रकार से शो करते हैं एल के। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक अणु कितने हैं, दो हैं, एक तो हेलो एल्केन और एक आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो अभिकारक अणु यहाँ दो होते हैं, लेकिन SN1 है उसके वेग निर्धारक पहले पद में एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है, कौन, हेलो एल्केन। तो वेग निर्धारक पद में एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है इसलिए इसको कहा जाता है एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखिए और ये ध्यान में रखना है कि आज काम आएगा कि इसका जो वेग निर्धारक प्रथम पद होता है उसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्बो केटायन बनता है। अब देखिए फिर अपन ने इसकी वेग समीकरण की थी SN1 की, या कह दीजिए वेग व्यंजक। SN1 की वेग समीकरण या वेग व्यंजक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है गुलबर्ग और बागे के नियम में अपन ने बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब है, सांद्रता। तो देखो अभिक्रिया वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब सभी अभिकारक नहीं, वही अभिकारक जो वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं यानी जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। तो अभी अभी अपन ने SN1 के लिए बताया था वेग निर्धारक पद में केवल कौन सा अभिकारक भाग लेता है, हेलो एल्केन। तो इसकी वेग समीकरण में केवल कौन आएगा, हेलो एल्केन आएगा, नाभिक स्नेही है वो नहीं आएगा क्योंकि नाभिक स्नेही है वो दूसरे पद में भाग ले रहा था जो कि वेग निर्धारक पद नहीं होता। तो इस SN1 का जो अभिक्रिया वेग है वो केवल कौन से अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है, हेलो एल्केन की सांद्रता पे ही निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। तो देखिए समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो ये स्थिरांक आएगा के। तो ये SN1 है उसकी क्या होती है, अभिक्रिया वेग समीकरण होती है, अभिक्रिया वेग बराबर के RX की सांद्रता। अब देखिए यदि अपन को कोई पूछ ले कि SN1 है उसकी अभिक्रिया कोटि बताइए, SN1 की क्या बताइए, अभिक्रिया कोटि। तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है,
उन अभिकारक अणुओं की संख्या जो वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है? उन अभिकारक अणुओं की संख्या जो वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। अब अपन ने SN1 में बताया था अभी अभी कि वेग निर्धारक पद में यहां पे केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेते हैं। जैसे तो यहां अभिकारक कितने होते हैं? दो होते हैं, हेलोएल्केन और नाभिक्सेन। लेकिन वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है, कौन? हेलोएल्केन। तो यहाँ एक ही अभिकारक अणु वेग निर्धारक पद में भाग लेता है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? एक। तो SN1 है उसकी कोटि कितनी होती है? एक होती है। क्यों? क्योंकि इसके वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है। तो SN1 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, SN1 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अब देखिए नेक्स्ट अपन SN1 में क्या करेंगे? SN1 के लिए विभिन्न हेलोएल्केनों की क्रियाशीलता को देखेंगे। अब हेलोएल्केन अपन को पता है चार होते हैं, फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन। अब देखिए विभिन्न हेलोएल्केन है उनकी क्रियाशीलता। अब इनमें कार्बन श्रृंखला है वो भी अलग अलग हो सकती है, तो इनकी क्रियाशीलता है वो यहाँ पे अपन किस प्रकार से बताएंगे। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेग निर्धारक पद में SN1 का वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? पहला। तो इसके वेग निर्धारक पहले पद में मध्यवर्ती बनता है कार्बोकैटायन। उस मध्यवर्ती कार्बोकैटायन पे ही इसकी जो क्रियाशीलता है वो डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिएगा SN1 की विभिन्न हेलोएल्केन के लिए जो क्रियाशीलता है वो वेग निर्धारक पद में बने हुए कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के स्थायित्व में निर्भर करती है। अब देखिए SN1 है उसकी जो क्रियाशीलता है वो समानुपाती होती है
कार्बो केटायन के स्थायित्व है, यानी कार्बो केटायन का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा SN1 की क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये आपको मोस्टली ध्यान में रखना है, SN1 की क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी जहां पे कार्बो केटायन का स्थायित्व है ज्यादा होगा। अब देखिए कार्बो केटायन का जो स्थायित्व है वो अपन किस प्रकार से बताएंगे। अब अपन देखेंगे विभिन्न कार्बोकेटायनों के स्थायित्व का क्रम, क्यों? क्योंकि SN1 की जो क्रियाशीलता है वो डिपेंड करती है यहाँ पे बने हुए मध्यवर्ती कार्बोकेटायन के स्थायित्व। तो देखिए अपन विभिन्न कार्बोकेटायन ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 CH CH3 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 CH
कार्बोकेटायन में क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन सभी में आप देख सकते हो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है, कार्बोकेटायन है। अब यहाँ CH3 पे प्लस है, तो CH3 को अपन कहते हैं मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल कार्बोकेटायन। ये क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बोकेटायन हो जाएगा। CH3CH2, इस CH3CH2 कहते हैं एथिल, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा एथिल कार्बोकेटायन। ये क्या हो जाएगा, एथिल कार्बोकेटायन। CH3CH CH3 अपन सामान्य नाम में बता चुके हैं, CH3CH CH3 को कहते हैं आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल और कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकेटायन, तो ये है आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। CH3 C ऊपर CH3, नीचे CH3 और C पे प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस वाला कार्बन कितने कार्बन के टच में है, 3, तो ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री के लिए तृतीयक, और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, तो ये है, और कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकेटायन। तो ये है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन। अब ये आपकी विभिन्न कार्बोकेटायन है, तो देखिए यहां प्लस वाला कार्बन है, प्लस वाला कार्बन अन्य किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो इस कार्बोकेटायन की कोई भी डिग्री नहीं है, ये नॉन डिग्री है। यहां प्लस वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है, तो एथिल कार्बोकेटायन कैसा है, 1 डिग्री है। यहाँ प्लस वाला कार्बन 2 कार्बन के टच में है,
तो आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन कैसा है, 2 डिग्री है, और यहाँ तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन में प्लस वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा है, 3 डिग्री है। अब देखिए कार्बोकेटायन का जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। कार्बोकेटायन का जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है किसके, प्लस आई प्रभाव के। अब प्लस आई प्रभाव है वो अपन पता है, अपन बता चुके हैं पहले, प्लस आई प्रभाव किसका होता है, एल्किल समूहों का होता है। प्लस आई प्रभाव किनका होता है, एल्किल समूहों का। और ये प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजते हैं। प्लस आई प्रभाव वाले जो एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए एल्किल समूह है वो अपन पहले बता चुके हैं कि एल्किल समूह जितना बड़ा होता है, एल्किल समूह जितना बड़ा होता है उसका प्लस आई प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। तो अब आप देख सकते हो यहां पे प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा कौन से एल्किल समूह का होगा, यहां एल्किल समूह है मेथिल, यहां एल्किल समूह है एथिल, यहां एल्किल समूह है आइसोप्रोपिल, और यहां एल्किल समूह है तृतीयक ब्यूटिल। अब अपन इस बात को समझेंगे कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व है प्लस आई प्रभाव के समानुपाती क्यों होता है। अब देखिए यहां प्लस वाले कार्बन के साथ कितने मेथिल जुड़े हैं, 3 मेथिल जुड़े हैं, और मेथिल क्या है, एल्किल है, इनका प्रभाव होता है प्लस आई, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजते हैं। अब यहां प्लस वाले कार्बन के साथ 3 मेथिल जुड़े हैं, तो ये मेथिल है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर यानी इस प्लस वाले कार्बन की तरफ भेजेंगे, तो ये तीनों CH3 प्लस वाले कार्बन की तरफ भेजेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बोकेटायन स्थायी कब हो जाएगा, अब कार्बोकेटायन पे आवेश क्या होता है, पॉजिटिव। अब जैसे इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, उदासीन, जैसे इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब प्लस उदासीन कब होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां पे देखिए तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन में 3 CH3 जुड़े हैं, और ये अपने प्लस आई प्रभाव के कारण तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेज रहे हैं, प्लस वाले कार्बन की तरफ। अब ये तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसका प्लस है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्लस आई प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ कितने CH3 जुड़े हैं, 3, और ये एल्किल समूह सबसे बड़ा है, इसलिए इसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है, और प्लस आई प्रभाव जहां पे ज्यादा होता है वहां कार्बोकेटायन का स्थायित्व है वो उतना ही ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा कार्बोकेटायन होता है, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद नंबर आता है किसका, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। अब यहां पे देखिए प्लस वाले कार्बन के साथ कितने CH3 जुड़े हैं, 2 CH3 जुड़े हैं, यहाँ प्लस वाले कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हैं, यानी प्लस वाले कार्बन पर यहाँ
दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका प्लस है वो इसकी तुलना में थोड़ा देरी से उदासीन होगा, तो इसकी क्रियाशीलता इससे थोड़ी सॉरी इसका स्थायित्व तो इससे थोड़ा कम होता है। यहां प्लस वाले कार्बन के साथ एक ही सी एस थ्री जुड़ा है, यहां प्लस वाले कार्बन के पास एक साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका स्थायित्व तो इन दोनों से कम होता है, और इस प्लस वाले कार्बन के साथ कोई भी सी एस थ्री नहीं जुड़ा, यानी इसका स्थायित्व सबसे कम होता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बोकेटायन का जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव, यानी प्लस आई प्रभाव यानी एल्किल समूह जितना बड़ा होगा प्लस आई प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, और प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटायन का स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये काफी काम आने वाली चीज है कार्बोकेटायनों का स्थायित्व, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत जगह काम आएगा। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा कार्बोकेटायन होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, तो ये कार्बोकेटायनों के स्थायित्व का क्रम है। अब देखिए ये कार्बोकेटायन है वो कौन से हेलो एल्केन में होगा, CH3X में, CH3 प्लस किस में बनेगा, CH3X में। ये कार्बोकेटायन कौन से हेलो एल्केन में बनेगा, CH3CH2X में हो गई। ये कार्बोकेटायन कौन से हेलो एल्केन में बनेगा, CH3CH3X, ये इसमें होगा आइसोप्रोपिल हैलाइड में, कौन सा कार्बोकेटायन होगा, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन है ये होगा इस हेलो एल्केन में तृतीय ब्यूटिल हैलाइड में। अब अपन ने कार्बोकेटायन का स्थायित्व देख लिया, अपन ने बताया SN1 की जो क्रियाशीलता है वो डिपेंड करती है कार्बोकेटायनों के स्थायित्व पे। SN1 की क्रियाशीलता कार्बोकेटायन के स्थायित्व में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जिस हेलो एल्केन में जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन होगा उस हेलो एल्केन की क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए SN1 की क्रियाशीलता है वो समानुपाती होती है कार्बोकेटायन के स्थायित्व है। तो देखिए अब अपन विभिन्न हेलो एल्केन ले रहे हैं, CH3X ये तो है मेथिल हैलाइड, CH3CH2X ये है एथिल हैलाइड, CH3CH नीचे CH3X ये है आइसोप्रोपिल हैलाइड, CH3C ऊपर CH3 नीचे CH3 आगे X ये है तृतीय ब्यूटिल हैलाइड। तो ये अपने ले लिए विभिन्न हेलो एल्केन। अब यहां पे हेलोजन वाला कार्बन अन्य किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये है नॉन डिग्री हेलो एल्केन। यहां हेलोजन वाला कार्बन अन्य एक कार्बन के टच में है, तो ये है 1 डिग्री हेलो एल्केन।
यहाँ हैलोजन वाला कार्बन दो कार्बन के टच में है तो ये है 2 डिग्री हेलो एल्केन, यहाँ हैलोजन वाला कार्बन 3 कार्बन के टच में है तो ये है 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये अपन ने विभिन्न हेलो एल्केन ले लिए, नॉन डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी इनमें सभी में देखिए हैलोजन तो सभी में क्या होगा समान होगा, एक्स 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 यानी हैलोजन क्या हो गया समान, लेकिन इनके साथ जुड़ा हुआ एल्किल समूह कार्बन श्रृंखला वो क्या होगा अलग अलग, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल तृतीय ब्यूटेन। अब देखिए इससे कार्बोकेटाइन बनेगा तृतीय ब्यूटेन कार्बोकेटाइन जो कि सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये हेलो एल्केन है वो SN1 के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि पहले बताया SN1 की जो क्रियाशीलता है वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के समानुपाती होती है, यानी जिस हेलो एल्केन से जितना अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनेगा वो हेलो एल्केन SN1 के लिए उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। तो तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनेगा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन जो कि सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है वो SN1 के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। फिर आइसोप्रोपिल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनेगा आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, तो इसके बाद क्रियाशीलता होगी आइसोप्रोपिल हैलाइड की। एथिल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनेगा एथिल कार्बोकेटाइन, इसके बाद क्रियाशीलता होगी एथिल हैलाइड की। और मेथिल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनेगा मेथिल कार्बोकेटाइन जिसका स्थायित्व सबसे कम होता है, इसलिए मेथिल हैलाइड की यहाँ क्रियाशीलता सबसे कम होगी। तो देखिए ये है SN1 की क्रियाशीलता का क्रम। तो ये विभिन्न हेलो एल्केनों के लिए SN1 की क्रियाशीलता का क्रम है। तो देखिए एग्जाम में SN1 और SN2 की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा SN1 के लिए विभिन्न हेलो एल्केनों की क्रियाशीलता क्रम ये होता है, सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री हेलो एल्केन, बाद में 2 डिग्री हेलो एल्केन, तो बाद में 1 डिग्री हेलो एल्केन और सबसे कम क्रियाशील 9 डिग्री हेलो एल्केन। अब देखिए तो ये क्रियाशीलता क्रम हो गया किसके आधार पे कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के आधार। अभी तो अपन ने ऐसे हेलो एल्केन लिए थे जिनमें हैलोजन तो सभी में समान थे, जो कार्बन श्रृंखला है एल्किल समूह वो क्या थे अलग अलग, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल तृतीयक ब्यूटिल। अब अपन ऐसे हेलो एल्केन ले रहे हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला तो क्या है समान है आर 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 आर, लेकिन में हैलोजन क्या है अलग अलग है, इनमें हैलोजन क्या है अलग अलग। ऐसे हेलो एल्केनों की SN1 के लिए क्रियाशीलता अब देखिए इनकी क्रियाशीलता को अपन कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के आधार पर नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इनमें कार्बोकेटाइन सभी में क्या बनेगा समान बनेगा, इसमें भी R बनेगा, इसमें भी R, इसमें भी R, इसमें भी R, तो कार्बोकेटाइन तो सभी में क्या बनेगा समान। अब देखिए इनकी क्रियाशीलता को किस प्रकार से बताएंगे, इनकी क्रियाशीलता को बताया जाएगा CH बंध की प्रबलता के आधार पर,
इनकी क्रियाशीलता को बताया जाएगा किसके आधार पर, सी एक्स बंद की प्रबलता के आधार पर। अब देखिए यहां पे आयोडीन है, इसका आकार सबसे बड़ा है, हैलोजनों में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, आयोडीन का। आयोडीन का आकार यहां सबसे बड़ा है। अब आयोडीन का आकार यहां सबसे बड़ा है तो इस बंद की जो बंद लंबाई है वो सबसे ज्यादा होगी। बंद लंबाई क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब बंद लंबाई सबसे ज्यादा होगी तो बंद प्रबलता है वो सबसे कम होगी, यानी ये जो बंद है वो सबसे कमजोर होगा। ये बंद क्या होगा, सबसे कमजोर होगा, यानी आसानी से टूट जाएगा। अब ये आसानी से टूट जाएगा इसलिए इसकी क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा होगी। तो आयोडो एल्केन है उसमें पाया जाने वाला सीआई बंद है वो सबसे कमजोर होता है, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूट जाएगा तो नाभिक स्नेही का आक्रमण है वो भी क्या होगा, आसानी से होगा। देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है, हैलो एल्केन से जुड़ा हुआ हैलोजन बाहर जाता है और नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। अब ये हैलोजन जितना जल्दी से जाएगा नाभिक स्नेही उतनी आसानी से क्या कर देगा, आक्रमण, और क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो आयोडो एल्केन का सी आई बंद है ये सबसे ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए आयोडीन है वो जल्दी से यहां से बाहर निकल जाएगा और नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण कर देगा, इसलिए क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो इन हैलो एल्केनों में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, आयोडो एल्केन की। और यहां सबसे कम क्रियाशीलता होगी फ्लोरो एल्केन, क्यों, क्योंकि देखिए फ्लोरीन का जो आकार है वो इनमें सबसे छोटा है। अब फ्लोरीन का आकार छोटा होगा तो इस बंद की जो बंद लंबाई है वो भी क्या होगी, कम होगी। अब बंद लंबाई कम होगी तो बंद प्रबलता ज्यादा होगी, यानी ये बंद है वो सबसे अधिक मजबूत होगा। अब ये मजबूत बंद है तो आसानी से नहीं टूटेगा, अब ये आसानी से नहीं टूटेगा तो इसकी क्रियाशीलता है वो सबसे कम होगी, यानी ये फ्लोरीन है वो आसानी से बाहर नहीं जाएगा। अब जब तक ये फ्लोरीन बाहर नहीं जाएगा तब तक नाभिक स्नेही का आक्रमण नहीं हो सकता, तो क्रियाशीलता के लिए नाभिक स्नेही का आक्रमण आसान होना चाहिए। तो यहाँ ये जो बंद है वो मजबूत है, फ्लोरीन आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। फ्लोरीन जब तक बाहर नहीं निकलेगा नाभिक स्नेही का आक्रमण तब तक पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्लोरो एल्केन की क्रियाशीलता यहाँ पे सबसे कम हो। तो यदि कार्बन श्रृंखला समान हो यानी एल्किल समूह समान हो और हैलोजन क्या हो अलग अलग, तो हैलो एल्केनों की क्रियाशीलता क्रम ये होता है और ये बताएंगे सी एक्स वन की प्रबलता क्या था। तो ये आज का अपना टॉपिक था विभिन्न हैलो एल्केनों के लिए एस एन वन की क्रियाशीलता का क्रम बताना। इसमें एक पैराग्राफ और बचा है एस एन वन में जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।